पीटीआई के मुनरिफ अराकी ने कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवा दिए। तहरीक इंसाफ के वकील की जवाब पढ़ने के लिए मोहलत की सदा मंजूर, समात मंगल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमें था कि मुनरिफ अराकीन के वकला मोहलत मांगेंगे, लेकिन आपने मांग ली। मंगल तक हर सूरत दलाल मुकम्मल कर लें ताकि फैसले के लिए वक्त मिल सके। पंजाब असम्बली के मुनहारिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा, पंजाब असम्बली में मुनहारिफ अरकान ने वोट डाले और रिजीम तब्दील हो गई। वोट डल गया तो मजीद किसी जवाब की जरूरत नहीं। मुनहारिफ अरकान के वकला ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली, समाअत मंगल तक मुलतवी। पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमात। शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 9 मई तक तौसी, आइंदा समात पर पेशी से सस्ता मिल गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हम तनकीद को वेलकम करते हैं, लेकिन अगर आइन और इदारों का एहतराम नहीं होगा तो फिर अफरा तफरी होगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल बोले, उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया। राना सना के साथ शहबाज शरीफ भी मुलव्वस हो सकते हैं। पहले ही कह दिया था कि 7 लोग हैं जो कत्ल कराना चाहते हैं। अगर मुझे या इमरान खान को कुछ हुआ तो इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। उधर शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। शेख रशीद ने मुल्क में दर्ज मुकदमात के पेश नजर हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दे दी। शेख रशीद लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश हुए। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक पहले ही गिरफ्तार हैं। उधर ट्विटर पैगाम में शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद, लिखा कि नून लीग की तरफ से जलसों की इब्तदा जल्द इलेक्शन की एक कड़ी है। 2 वोटों की अक्सरियती हुकूमत 2 माह में ही सियासी तौर पर खत्म हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है, पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इकतदार में आएंगे। पहले भी अक्सरियत ना होने के बायस हम कानून साजी नहीं कर सकते थे। कौम तब तबाह होती है जब छोटे चोर पकड़ लें और बड़े को छोड़ दें। शहबाज शरीफ का 16 अरब रुपए का ओपन एंड शीट केस है, वो बरतानिया में होते तो जेल में होते। इमरान खान ने मजीद कहा कि आज़ाद खारजा पॉलिसी का मतलब एंटी अमरीका नहीं है, लेकिन अब अमरीका को पाकिस्तान में जी हजूरी करने वाले मिल गए। अभी एक बार का मारा है, मजीद मारने हैं। पाकिस्तान को वहां लेकर जाऊंगा जहां दोस्तों ने सोचा भी नहीं होगा। आसिफ अली जरदारी का नवाबशाह में खिताब। साबिक सदर ने कहा, गरीब आदमी अमीर होगा तो ही मुल्क अमीर होगा। बिलावल जहां भी जाए बीबी की तस्वीर बनकर जाता है। रिश्ता लेना आसान मगर वोट लेना मुश्किल है। नून लीग भी मैदान में आ गई। मरियम नवाज आज फतेह जंग अटक में जलसे से खिताब करेंगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। मरकजी क्यादत के लिए 80 फीट चौड़ा 20 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। तहरीक इंसाफ आज मियांवाली में सियासी पावर शो करने को तैयार। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगी। पिंडाल में तैयारियां जारी। पीटीआई रहनुमाओं का 70,000 कुर्सियां लगाने का दावा। गुज़श्ता रोज पीटीआई कारकुनों ने शहर में रैली भी निकाली। ईद की छुट्टियों के बाद सरकारी दफ्तर खुल गए, मुलाज़मीन की हाजिरी मामूल से कम रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि उम्मीद है सब ने अहले खाना के साथ अच्छी ईद गुजारी होगी, हमें दोबारा अपना काम शुरू करना चाहिए। उधर वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का बग़ैर प्रोटोकॉल दौरा, सफाई की सूरत हाल और इंतजाम का जायज़ा लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत से गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर, पाकपतन, मिंचनाबाद, आरिफ वाला, कोट राधाकृष्ण, सांगला हिल और बिहाड़ी समेत दीगर शहरों में बादल बरसे। आज भी बालाए खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान में मौसम
गर्म रहेगा। NICVD में अरबों रुपए की करप्शन का मामला एहतसाब अदालत में। NICVD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नदीम कमर और दीगर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब ने अदालत से रेफरेंस दायर करवाने के लिए मोहलत तलब कर ली। तफ्तीशी का कहना था इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके हेडक्वार्टर्स भेज दी थी। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। ईद की तातीलात के बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में फिर इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे महंगा, अमरीकी डॉलर 186 रुपए 10 पैसे का हो गया। आलमी इदारे सेहत ने भारत का एक और झूठ बेनकाब कर दिया। कोरोना के बायस भारत में 47 लाख अमवात हुई। सरकारी आदादोशुमार में सिर्फ 5,20,000 अमवात बताई गई। मई और जून 2021 की हलाकतों का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना के बायस दुनिया भर में 7 करोड़ अमवात हुई, रिकॉर्ड पर 63 लाख के करीब हैं। भारत के अलावा मैक्सिको, मिस्र समेत कई ममालिक ने अमवात का सही इंदराज नहीं किया। अमरीकी रियासत टेक्सस और ओक्लाहोमा में तूफान ने तबाही मचा दी। स्कूल समेत कई इमारतों की छतें उड़ गईं। बिजली समेत मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। तूफान के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। काउंटी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की शानदार बॉलिंग। मोहम्मद आमिर ने हैम्पशायर के खिलाफ 3 विकेट हासिल की। हसन अली ने बॉक्सशायर के खिलाफ 1 विकेट हासिल की। इवेंट में सबसे ज्यादा 21 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। यूरोपा फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। रेंजर्स ने इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। रेंजर्स ने सेमीफाइनल की दूसरी लेग में लेप्ज़िग को 1-1 में 3 गोल से शिकस्त दी। रेंजर्स का फाइनल में 19 मई को फ्रैंकफर्ट से मुकाबला होगा। और डायनासोर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। हेलीकॉप्टर से ज्यादा तेज उड़ान, कार से ज्यादा रफ्तार वाले डायनासोर तबाही मचाने आ गए। जुरासिक वर्ल्ड सीरीज की तीसरी फिल्म दी डोमिनियन का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 10 जून को दुनिया भर के सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। मौसम की बात करें तो लाहौर और गिदनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात का कहना है कि लाहौर का मौसम आइंदा चंद रोज़ खुशगवार रहने का इम्कान है। कोट राधा किशन और गिदनवाह में भी बारिश हुई। इसके अलावा मिंचनाबाद, आरिफवाला, सांगला हिल, विहाड़ी, कबीरवाला में भी बादल बरसे। आपको बताएं, लाहौर और गिरदनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात का कहना है लाहौर का मौसम आइंदा चंद रोज खुशगवार रहने का इम्कान है। कोट राधा किशन और गिरदनवा में भी बारिश हुई। इसके अलावा मिंचनाबाद, आरिफवाला, सांगला हिल, बिहाड़ी और कबीरवाला में भी बादल बरसे हैं।